आप कैच न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबर। कार में एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। आज हम डालते हैं नजर राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों इस वक्त हम आपको लेकर राजधानी के हजरी थाने पे जहां एक पीड़ित हमारे साथ आई, जानते हैं उनकी क्या समस्या है, जिस वजह से आज वो थाने आई है और किस तरह का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। मैम क्या समस्या है आपकी जिस वजह से यहां आई, अपने नाम के साथ बताएं। हम प्रेमा हैं, हमारा बेटा मतलब हम लोग वहाँ रह रहे हैं आज से 90 साल से, वहाँ से मतलब कृषि भवन 1 नंबर गेट वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और हम लोग को मतलब निकाला जा रहा कि घर खाली कर दिया जाए। मेरे हम लोग 80-90 साल से रह रहे हैं वहाँ, और वहाँ पर हमारे बेटे को अरेस्ट करके अभी लेके आए हैं यहाँ पे थाने पे। क्या नाम है बेटे का? बेटे का रोहित नाम है। इस मामले में उसको लेके आए? लेके आए कि जब कुछ पता नहीं हम लोगों को किस लिए मेरे बेटे को अरेस्ट करके लाए। तो आपका जो मकान 80-90 साल? हाँ, हम लोग रह रहे हैं वो खाली। कौन खाली करा रहे? खाली करा रहे बीना सिंह। हाँ बीना सिंह। कुछ भी नहीं है, वो भी फ्री रह रही, मैं भी फ्री रह रही हूँ। तो किस तरह से आप लोगों को ये मकान मिला हुआ था? वो हमको डीन साहब ने दिया था बहुत पहले, 80-90 साल पहले पुराना। उनका कोई लिखित होगा? हाँ लिखित है मेरे पास। उनके पास है लिखित? हाँ उनके पास नहीं है, मेरे पास है। उनके पास नहीं? नहीं। हाँ तो आप आपके बेटे को इसी मामले में लेके आए? इसी मामले में लेके आए मेरे बेटे को कि मतलब खाली करो, ये मकान मेरा है। थाने की पुलिस आपकी सुनवाई नहीं नहीं कर रहे हैं? हमारे बच्चे को कोई सुनवाई नहीं कर रहे, मेरे बेटे को जबरदस्ती वहाँ से ले आए, हमारा बेटा है। मैम जयप्रकाश है। किस भाई को गिरफ्तार किया, भाई का नाम क्या है? मेरे भाई रोहित कुमार है, उनको जबरदस्ती पुलिस लेके आई बिना किसी महिला। नहीं मामला दर्ज होगा ना उनके ऊपर? कोई मामला दर्ज नहीं, जबरदस्ती लेके आए, कुछ नहीं बताया, केवल लेके जबरदस्ती लेके आ गई उनको अभी 2 घंटे पहले की बात है। आपका मकान जबरन खाली करा रहा है? हाँ जबरन करके, अब ये बीना सिंह है जबरन उसको खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी कहाँ की है बीना सिंह? बीना सिंह कहाँ की है? बीना सिंह और यहाँ कहाँ रहेगी? यही की यहाँ जी। आप लोगों के परिचित हैं? परिचित उचित कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ विवाद हमारा बहुत पहले हुआ था, 30 साल पहले की बात है, तब भी खाली करवाने को कह रही थी। अच्छा। हम लोग शांति में रहे, हमने कहा चलो ठीक है, फिर ये इनने हाँ हमारे पास पूरी लिखा पड़ी है। ये क्या है ये? ये हम लोग 1985 में जब झगड़ा हुआ था तो इस तरह था, हम लोग घर खाली करवाया गया था, तो खाली हो नहीं खाली हो पाया था, खाली हो पाया था, अभी भी हम लोग वहीं रह रहे हैं। और ये हम लोग जो लंदन था हमारे पास लेटर आया हुआ है। लंदन से किनका लेटर है ये? डीम साहब का लेटर ने हम जिन जिनकी जमीन है ये, उन्होंने हमको लेटर दिया है। क्या लेटर में लिखे भेजा? ये उन्होंने लिखा है कि जब तक ये चाहे इनके फैमिली रह सकती बिना किसी उसको दबाव में, जब तक हम लोग चाहेंगे तब तक रह सकते हैं इस घर में। तो पुलिस प्रशासन से किस तरह की मदद चाहते हैं? हमारी मदद ये चाहते हैं कि जो भी न्याय है उसको हमारे साथ दिया जाए, पूरी जांच की जाए और जो भी हो उसका सही सही फैसला। तो जैसा कि आपने देखा ये पीड़ित परिवार था जिनका कहना है कि इनकी जो भूमि है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं पिछले 80 साल से बता रहे हैं कि ये लोग रह रहे हैं और उस पर पुलिस जबरन खाली करा रही है, जिसमें इनके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अभी पुलिस ने किसी तरह की बातचीत नहीं की, किसी तरह का विवरण नहीं दिया कि किस मामले में इनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा।